अक्सर पाव भाजी सभी को पसंद आती है, और अगर बाजार जैसी पाव भाजी घर पर ही बन जाए तो मज़ा ही आ जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिक्स रसोई रेसिपी चैनल में। हमने लिया 100 ग्राम के करीब बंद गोभी, आधा कप बीन्स, 100 ग्राम के करीब फूल गोभी, आधा कप मटर। अब ऐड करेंगे पानी ताकि सारी चीज़ें अच्छे से उबल सकें। कवर करके धीमी आंच पर 2 सीटी आने तक पकाएंगे। कढ़ाई में जाएगा 1 बड़ा चम्मच घी, 1 चम्मच बटर, 1 चम्मच जीरा। घी डालने से बटर नहीं जलेगा। अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। प्याज को हल्का सुनहरा होने तक पका लेंगे। अब ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। एक बात का ध्यान रखें, प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना पाव भाजी में बाजार जैसा टेस्ट नहीं आएगा। अब ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। अच्छे से सभी मसालों को मिला लेंगे। साथ ही डालेंगे कस्तूरी मेथी। अब डालेंगे 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। सभी मसालों को अच्छे से तेल छोड़ने तक भून लेंगे। अब ऐड करेंगे उबले हुए 2 से 3 आलू। आलूओं को हाथों से अच्छे से मसल कर डालेंगे। साथ ही भूनते हुए आलूओं को और फोड़ लेंगे। सभी सब्जियां पक चुकी हैं। मैशर की मदद से सब्जियों को मैश कर लेंगे। ध्यान दीजिए सब्जियों में से पानी ना निकालें। सब्जियों को मसाले में मिला लेंगे। दो से तीन मिनट कड़छी चलाते हुए ऐसे ही पका लेंगे। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच मक्खन। भाजी में हल्का सा उबाल आने देंगे। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। हमने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कम यूज़ किया है, आप चाहें तो कलर लाने के लिए और भी ज़्यादा डाल सकते हैं। सभी सब्जियों को दोबारा से मैश कर लेंगे। अब ऐड करेंगे पानी ताकि सब्जियों का गाढ़ापन थोड़ा कम हो सके। ध्यान दीजिए हमें गर्म पानी का ही यूज़ करना है। अब दोबारा ऐड करेंगे 1 चम्मच बटर। एक से दो मिनट धीमी आंच पर पकने देंगे। पाव की भाजी बनकर तैयार है। साथ ही गर्म तवे पर जाएगा 1 चम्मच बटर पाव सेकने के लिए। पाव को बीच में से काट कर सेक लेंगे। हल्का प्रेस करते हुए दोनों साइड से सेक लेंगे। पाव भाजी रेसिपी बनकर तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, मिक्स रसोई रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।